ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 26/11/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज संडे है, रिवाइज डेट है 31/12/1996। टाइटल है मुरली का, नए वर्ष में अनुभवी मूरत बन सबको अनुभवी बनाओ। शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर बाप दादा के महावाक्य हैं। आज नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा, आप अति स्नेही, सहयोगी, स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हॉल में पीछे जो भाई बहने बैठे हैं उनको बाबा कहते हैं, आप सोचेंगे कि हम तो पीछे वाले हैं, तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में ना ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज़ भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो लेकिन बाबा के सामने ही बैठे हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो ना, बाबा की बच्चों से मेरे तालियाँ बजाई। आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना, तो तालियों से दिखा रहे हैं वो खुशी, लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को अच्छी तरह से जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए ही भगवान को हजारों भुजाएं दिखाते हैं। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा चाहते हैं, जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। अभी ज़्यादा ताली नहीं बजाओ, आपकी खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है। देखो आज दो विशेषताएं हैं, एक इस शांतिवन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हो। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला है, 97 साल आने वाला है, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की, एक डायमंड जुबली की और दूसरी नए साल की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो ना, ऐसे ही नए वर्ष में सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना, यह साथ का अनुभव बहुत ही प्यारा है। इसलिए हमारा गीत भी है ना, तुम्हारे साथ का अनुभव बाबा कितना प्यारा है, निराला है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। तभी माइक बंद हो गया, पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना, कोई बात नीचे ऊपर नहीं समझना, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशंस कैसी भी सीन हो निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो, शक्तियाँ बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। यह नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे, नया हॉल वह नया साल है, तो इस नए वर्ष में बाबा कहते हैं कुछ नवीनता तो करेंगे ना। तो यह वर्ष अनुभवी मूरत बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा क्या करना है, अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही है, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मूरत हो या वाणी मूरत हो अनुभवी हो ना, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है लेकिन इस बात का अनुभव थोड़ा कम है या बहुत कम है, ऐसा कोई बच्चा न रहे। क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं,
लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है यहाँ तक ही आते हैं। अनुभवी हो जाए वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संघ के रंग में नहीं आ सकती है। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे, कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन, आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा। आधा जिसका निश्चय है या अनुभव है वो हिलेगा, अचल नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं अचल होगा? क्योंकि आने वाली बातें या समस्याएं प्रबल हो जाती है, हावी हो जाती है उसके मन के ऊपर। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते रहते हैं, गिरते रहते हैं लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो, मजबूत करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आया और अपना पाठ बजाया, लेकिन साक्षी होकर न्यारे और प्यारे होकर के खेल समान देखेंगे। बात नहीं, खेल, मनोरंजन, मनोरंजन सबको अच्छा लगता है ना। तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा सा कच्चा होता है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंशी में ले जाएंगे और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंशी में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हानि कह सकते, कहने से कहते हो बाबा, कहते बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों के रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय के रिजल्ट नैनों के सामने नहीं, लेकिन बाप दादा के दिल में आ जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाबा को वहाँ वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है, हाँ कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वायदा करो इस वर्ष में हलचल से परे अचल अडोल बनना है। अंडरलाइन, हलचल से परे अचल अडोल बनना है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे हैं, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे करेंगे देखेंगे, यह नहीं, वो हाथों पर। अच्छा, मुबारक हो जिन्होंने किसी कारण से हाथ नहीं उठाया। ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो वो भी उठाओ, शर्म आता है उठाने में। तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना। सोचना कि यह शर्म करने की बात है तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। हमें अचल अडोल बनना ही है, ये पक्का है, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रोहरिहान में, बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता भी दे,
चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे, यह कोई डेट नहीं दे रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं, समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे, अलमेरे बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। अब देखो 2023 चल रहा है और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे, इतना समय पूरा हुआ, एक मास पूरा हुआ, एक वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास रहे हैं, तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे, क्या करेंगे, अलबेरे नहीं बनेंगे, यह तो नहीं सोचेंगे। अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, 96 की मूर्ति है ना, तो 2000 तक माने 4 वर्ष अभी तक पड़े हैं, आराम कर लो। हाँ क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे, ऐसे अलबेरे नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वो ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन आलस्य बीच में आएगा। अलबेलापन मन का होता है, बहुत किया हमने, बहुत देखा हमने, अभी नहीं होता है हमसे, जितना हो पाएगा करेंगे, और आलस्य तो शरीर का है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया, डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। मातेश्वरी की माँ वाक्य ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो एवर रेडी। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान भी लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में ये संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे, सतयुग भी बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं, उनके लिए भी समय चाहिए नहीं। अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो, किस पर राज्य करेंगे, पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे, कलयुग इस आत्माओं के ऊपर, नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं है और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे। इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिष है ना उनके ऊपर रखा है। वाह भाई, हमारे ऊपर रखा है बाबा ने, जो ज्योतिषी कर सकते हो बाप क्यों करेगा, फिर भी बाप के बच्चे हैं, उनको कमाने दो, उनकी कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। समझा इस वर्ष क्या करना है, अंडरलाइन अनुभवी मूर्त बनना है। कई बच्चे रो रहे हैं, हमें बहुत मीठी मीठी रो रहे हैं, करते हैं कहते हैं बाबा क्या करे, इतना तो हो गया, बाकी इतना आप कर लो, राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप हमें बना दो। ऐसे होगा, बाबा मददगार जरूर है लेकिन, और अंत तक रहेंगे गारंटी है, प्रॉमिस, लेकिन किसके मददगार, जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं फिर बाप का मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो, कहते ना लेडीज फर्स्ट, तो बाबा आज कह रहे चिल्ड्रन फर्स्ट। आपको हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद न मिले ये हो नहीं सकता, तो बाबा कहते हैं हर समय ये चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ा हो इसलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत बच्चों की, बाबा मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाबा मदद पदम गुणा करने के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय, हर एक बच्चे के लिए हर समय बाबा मदद करने के लिए तैयार है। अच्छा नए वर्ष में और क्या करेंगे, अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी,
गीता का भगवान तो हो जाएगा। लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष अर्जुन को कहा था, स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो। वारिस कब निकालते हैं? क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र के रोज के रिजल्ट देखते हैं, चक्कर लगाते बाबा सेंटर पर, तो चारों ओर के रिजल्ट में वारिस कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही है लेकिन गिनती करने वाले, चाहते तो सभी ऐसे ही हो तो वारिस कितने बनाए? सतयुग की प्रजा भी रॉयल होनी चाहिए, वह कम है। प्रजा बनी है, यह जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है ना, वह बाहर की स्टेज पर जो प्रोग्राम्स मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, यह रिजल्ट अच्छी है, सेवा के रिजल्ट। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। वारिस यहाँ तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाबा के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक के रिजल्ट में कहते हैं यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं यही कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए। परमात्मा का यह कार्य चल रहा है, वह अभी गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का काम तो कर ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक के रिजल्ट में कहते हैं यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये परमात्मा का काम है, ये अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ। स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही है सहयोगी है तब तक बाबा की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यही निकलेगी, बस अभी समय आ गया, बाप आ गया तब विनाश भी आएगा। तो बाबा कहते हैं बस बाप से ये नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, वो अपने टाइम पे हो ही जाएगा। बाबा आपसे पूछते हैं आप कब तैयार होंगे? पर्दा खोले, आर यू रेडी, तैयार हो? पर्दा खोल गया, पर्दा खुलेगा और आप तैयारी होते रहेंगे। कम से कम 16108 पक्के पक्के रत्न तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बना, बाबा भी देख तैयार हो, बाबा भी देखिए तैयार हैं। इतनी मार्जिन है, ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16108 की माला बनाओ तो इस वर्ष बनाना। देखेंगे 16108 के निर्विघ्न अचल माला तैयार है या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हो, बोलो तैयार हो? दादियाँ तो बोलती है हाँ बाबा, सभी शक्तियाँ हाँ है, 16108 तैयार है। अच्छा, 18 तारीख को माला बना करके देना, 18 जनवरी को हाथ उठाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16000 में है। जो समझते हैं हम 16000 में हैं, तो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख करके देना कि मैं 16000 में हूँ या 108 में हूँ, फिर दादियाँ पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चुटकी दे दी, पहले यह पास करेंगे, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वोपूर्ण उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार पर समय संकल्प वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिक्के लदे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही हैं और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई देते हैं, शांतिवन की स्थापना की भी मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है, यह तो पीछे परतंत्र बनी है, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो।
मन का भी बंधन न हो। अगर मन का बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा स्वराज अधिकारी, ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा ही पांचवें गांवर बनेगी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। आज का स्लोगन है मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। तो ऐसे अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।